दूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जब आप ये वीसी का समापन करें तो हमारे जो शिक्षक आज लाखों लाखों की संख्या में हर प्रदेश में इस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में या वहां पर सर्वे करके घर घर जा रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। मैं समझता हूं उनको आपकी तरफ से मैसेज अगर धन्यवाद का जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश टेस्टिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इस कोरोना वायरस को एक तरीके से रोक रखा है, हम लोग इससे सेफ है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी शानदार तरीके से स्टेट में इसमें काम किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल राजस्थान का उदाहरण देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि उन्होंने जैसे राजस्थान में किया है स्टेट्स को उस तरीके से काम इसमें करना चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं सर, तीन सुझाव है मेरे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा। एक तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो सभी स्टेट्स में रुकी पड़ी है, चाहे वो सीबीएसई की है चाहे वो अपने अपने स्टेट्स की है, तो इस बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के बाद में एडमिशन चाहे नीट का हो चाहे और काय का हो चाहे कहीं जॉब लगने की बात हो, सभी तरीके के जो एडमिशन है या एग्जाम्स हैं उनकी डेट आपके तरफ से एग्जाम बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे तकरीबन सारे स्टेट अपनी दसवीं और बारहवीं की एग्जाम अगर क्लियर कर ले उसके बाद में उनका रिजल्ट आ जाए तो उन बच्चों के साथ में एक साल तक उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, ये सुनिश्चित मानिए मंत्री महोदय आपके लेवल पे हो सकता है स्टेट के लेवल पे नहीं हो सकता। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने राजस्थान में जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई के लिए स्माइल प्रोजेक्ट एक चालू कर रखा है जिससे व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ करके हम सभी बच्चों को करीब बच्चों को जो है शिक्षक और अभिभावकों को बच्चों को जोड़ करके हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन हमने दूरदर्शन जो हमारा प्रसार भारती का है और रेडियो है उसके माध्यम से एक एक घंटा स्लॉट देने की मांग माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी माननीय मंत्री महोदय से की थी, उनके तरफ से विभाग की तरफ से मंत्री जी